देखिए तो राम, आपकी भक्ति की सजा मिल रही है मुझे। महाराज को छोड़ आपको यहाँ अयोध्या ढूंढने आई थी, पर आपने दर्शन नहीं दिए मुझे। बताइए राम, किस मुंह से लौटूं महाराज के पास? अब आप की तरह सरयू की गोद में समा जाऊंगी, किंतु वापस वापस ओरछा नहीं जाऊंगी। कहानी की खोज में जब मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में आई थी, तो वहाँ का नजारा देखकर एकदम दंग रह गई थी। चारों तरफ जश्न का माहौल था, शायद किसी की शादी, मगर किसकी, जिसमें लग रहा था मानो पूरा गांव शामिल हो। ओरछा शहर मिडिवियल आर्किटेक्चर का एक अनोखा नमूना है, लेकिन इस ट्रेडिशन को मैं समझ नहीं पाई। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे राजी की बारात से कर नहीं ये बात। प्रभु राम या भगवान राम को हर घर हर शहर में माना जाता है, मगर राजा राम कहकर पुकारने वाली तो सिर्फ अयोध्या की जनता है। यहाँ मध्य प्रदेश की एक रियासत रह चुकी ओरछा नगरी राम को राजा क्यों मानती है? राम राजा सरकार की इस कहानी को जानने निकलते हैं, कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। 15th सेंचुरी में बेतवा नदी के किनारे इस खूबसूरत शहर को बसाया था रुद्र प्रताप सिंह ने, जो ओरछा के पहले राजा बने। मगर आज इसे सबसे ज्यादा जाना जाता है इसके आलीशान महल और बेहद खूबसूरत चतुर्भुज मंदिर के लिए, जिसे खास राजा राम के लिए बनवाया गया था। राम राजा के यहाँ आने की कहानी 16th सेंचुरी AD की है। अकबर के कॉन्टेम्प्रेरी मधुकर शाह ओरछा के राजा थे और उनकी पत्नी थी गणेश कुंवर। मधुकर शाह जी कृष्ण भक्त थे और रानी जी राम भक्त थे। तो रानी ने कहा कि अब की बार जो है वो अयोध्या जी चला जाए, श्रावण तीज का आनंद अयोध्या जी में लिया जाए। तो मधुकर शाह जी बोले नहीं नहीं, वृंदावन चला जाए। तो उन दोनों में तकरार हो गई। महाराज, हम वृंदावन जा रहे हैं ना महाराज, किंतु हमारी आपसे बात हुई थी कि इस बार हम अयोध्या जाएंगे राम जी के पास। कृष्ण दर्शन के लिए तो हम हर साल जाते हैं, क्या इस बार हम राम जी के पास नहीं जा सकते? आंखें तरस रही हमारी उन्हें देखने के लिए, राम जी हमारे स्वप्न में आए थे, हमें पुकारा है उन्होंने, क्या आप हमारा स्वप्न तोड़ देंगे? हमारी उपासना का तो मान रखिए महाराज। रानी, हमने कभी आपकी उपासना में कोई भंग नहीं डाला, मगर आप अपनी मर्यादा पार कर रही हैं। हमारे बाकी बिहारी तो हमारे सामने हैं, पर आपके राम है कहाँ? अयोध्या में। रानी अब इस महल में नहीं रह सकती, ले जाइए इन्हें और छोड़ आइए अयोध्या। महाराज, चली जाइए यहाँ से और तभी लौट के आइए जब आपके राम कसम आपके साथ हो। सुना नहीं, ले जाइए इन्हें। ठेठ बुंदेलखंडी में जैसा कहते हैं कि तुम अगर बड़ी राम की भक्त हो तो राम खसम खो लेके आइयो। अच्छा अच्छा, ये असर रख दिया माने ये चुभने वाली बात, राम खसम खो लेके आओ तो हम माने कि तुम राम की भक्त हो। मधुकर शाह की अनेक रानियां थी, उसमें ये बड़ी रानी थी, और लेकिन इन लोगों का जो है
कोई वैवाहिक जीवन में बहुत ही प्रेम था और ये बस केवल एक भक्ति मार्ग की भक्तों की एक अपनी अदा होती है। ईश्वर और उपासक के बीच किसी को नहीं आना चाहिए, मगर पति पत्नी के रिश्ते में ये दोहरी उपासना दरार डाल रही थी। और वो तो एक राजा थे, उनकी उपासना का असर तो पूरी जनता पर पड़ने वाला था। मधुकर शाह जी सखी संप्रदाय के कृष्ण भक्त थे और कृष्ण भक्त को मैंने बताया कि नॉर्मली वो लोग अपने को भगवान की प्रेसी गोपिकाएं राधा के स्वरूप में रहते हैं। भक्ति के उद्देश्य तो अच्छा है कि साड़ी पहन करके, चूड़ी पहन करके, बिंदी लगा करके भगवान की भक्ति करे, तो भक्ति की तो सर्वोच्च श्रेष्ठ भक्ति है, लेकिन राजकाज के उद्देश्य से अच्छा नहीं था। उन लोगों को, रानी को ये लगा जो कि ये लोगों को आचरण देने के लिए राम भक्ति लाना चाहिए। तो रानी यहाँ से चलती बनी सैनिकों के साथ अयोध्या जी गई। 5000 मंदिर हैं अयोध्या जी के अंदर, तो ये मंदिर वो मंदिर दुनिया तमाम में कई मंदिर घूमती रही, आखिर में हुआ राम जी नहीं मिले। रानी को अयोध्या भेज राजा अपने में मग्न हो गए। जब रानी अयोध्या गई तब उन्होंने राम को बहुत ढूंढा, मगर राम उन्हें नहीं मिले। रानी परेशान हुई, उन्होंने तप किए, संतों की सहायता मांगी, मगर फिर भी उन्हें अपने राम कहीं नहीं मिले। रानी, आप तो राम को पाना चाहती हैं ना, फिर इतनी जल्दी हार मान रही हैं? राम तो यहीं हैं। कहाँ है राम? हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, कहाँ है मेरे राम? रानी, आप ही तो कहती हैं कि प्रभु तो हमारे स्मरण में भी बसते हैं और हम भक्तों के चित में भी। फिर तुम तो मेरी व्यथा समझती हो ना? महाराज ने कहा है राम को अपने साथ ही लाना और मेरी उपासना तक ठुकरा दी। अब तुम ही कहो कैसे श्री राम को अपने साथ ओरछा ले चलूं? रानी, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपका मन सच्चा है और वो आपके साथ अवश्य ही चलेंगे। आप केवल आस्था रखिए, हमें पूरा भरोसा है आप पर और आपकी आस्था पर, राम अवश्य आएंगे। अयोध्या में एक लक्ष्मण किला जैसा स्थान है, ये करीब संवत 1630 1573-74 में, वहाँ तुलसीदास की समकालीन रानी थी, उनसे 4 साल छोटी थी। वो 1554 संवत के थे और ये 1559 की थी, यही करैया डबरा की रहने वाली थी। तो वहाँ उन्होंने जाकर के घोर तप किया, कई वर्षों तक, 12 वर्ष तक तपस्या की सरयू किनारे, लेकिन कहाँ भगवान मिलने को थी। तब सरयू जी के किनारे पहुँची रानी और अपने प्राणों का संकल्प ले लिया। कहते हैं जान देने के उद्देश्य से नदी में उन्होंने डुबकी लगाई, 2 बार नदी ने वापस किया, 3री बार उन्होंने कहा या तो मुझे मरने दो या तो आप हमें प्रकट हो। जब रानी ने 3री बार डुबकी लगाई तो उन्हें एक मूर्ति दिखाई दी जो साक्षात राम का स्वरूप लग रही थी। रानी ने डुबकी लगाई, मूर्ति को लेके आई, लेने के बाद मूर्ति को भगवान के दर्शन, बोले प्रभु हमें तो आपके साक्षात दर्शन चाहिए। भगवान ने अपने बालक के रूप में दर्शन दिए। तुम मुझे अपनी साथ ले जाना चाहती हो रानी? हाँ, पर मेरी 3 शर्तें हैं। कहिए भगवान, कहिए। महाराज के सामने आपको साक्षात करने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगी। पहली शर्त, मैं आपके साथ चलूंगा परंतु केवल पुक्य नक्षत्र में। जो आप कहे राम। दूसरी शर्त, ओरछा के राजा मधुकर शाह नहीं हम होंगे और हमें राजा राम के नाम से जाना जाएगा। जो आपकी आज्ञा प्रभु। और तीसरी शर्त, जहाँ आप हमें बैठा देंगे रानी हम वही होकर रह जाएंगे। प्रभु, कभी अपने दर्शन से हमें वंचित मत कीजिए, बाकी जो आपकी आज्ञा। तो उनके गोद में भगवान आए, तो कहते हैं बैठे जिनकी गोद में मोद मान विश्वेश कौशल्या सानी भई रानी कुण गणेश। तो ये मधुकर शाह जी हमारे राजा दशरथ के अवतार थे और कुण गणेश जो है ये कौशल्या माँ की अवतार थी। तो भगवान को उन्होंने जब गद्दी सौंपा है, जो 3रा जन्म उसके बाद मुक्त हुए, जो दशरथ के रूप में उनकी इच्छा रह गई थी, तो वो इच्छा उन्होंने 3रे जन्म में यहाँ पर पूरा की। ये हमारी मन की भावना है,
ओके। लोग कहते हैं, मधुकर शायद तो नहीं कहते थे जी, ना इतिहास में कहीं है। ये हमारी भावना है कि राम को ले आए तो तुम दशरथ के स्वरूप हो। कौन सी कहानियाँ कहाँ जाकर किससे जुड़ जाएगी ये कहना तो बहुत मुश्किल है। मोतियों की माला की तरह पिरोई हुई कहानियाँ एक कंटिन्यूएशन में चलती रहती है और धीरे धीरे लोगों का सच बन जाती है। जब बाबरी मस्जिद में बाबर ने अटैक किया था 1526 के बाद, तो मीर बकी को राम जन्मभूमि की मूर्ति जो वहाँ पर खाली मिली थी, वहाँ पर राम लला नहीं मिले थे। बाबर ने भगवान श्री राम के मंदिर को ध्वस्त कराया। उसके पूर्व किसी भक्त ने वहाँ के जो स्वामी जी थे उनको ये सूचना दे दी कि आपका ये मंदिर ध्वस्त होने वाला है, 2-4 दिन में ये मंदिर ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो मूर्तियों को बचाने के लिए घाघरा सरजू नदियों में डुबा देते थे जी। तो करीब वही मूर्ति 50 साल के बाद कहते कि वो हमारे कुंवर गणेश को मिली थी। मधुकर शाह का यश गुंजा और उस यश की गाथा अयोध्या तक पहुंची, तो उनको लगा कि अब इनका रक्षक कोई हमें मिल गया है। उनको स्वामी महंत जी को ये लगा कि अब कोई ना कोई रक्षक हमको मिल गया है। तो राजा रानी का ये नाटक बनाया गया कि राजा कहते हैं कि हम वृंदावन जाएंगे, रानी कहती है हम अयोध्या जाएंगे। ये कहानी बनाई गई और इस कहानी के तहत रानी वहाँ पर गई, उन साधुओं ने पहले से व्यवस्था कर दी थी। तो जिस दिन रानी 15 दिन के बाद सावन समाप्त होने लगा, तो उन्होंने रानी ने बता दिया साधुओं को हम सरजू जी में वहाँ मूर्ति रखेंगे, और वो जा करके रानी वहाँ पर कूदी और कूदी मूर्ति आ गई। भगवान से राम की प्राप्ति होने के बाद में यहाँ संदेशा भेजा गया। अच्छा, तो यहाँ संदेशा आने पर मधुकर शाह ने फिर सारी व्यवस्थाएं उनको यहाँ तक लाने की पूरी व्यवस्था है। यह भी कहते हैं कि उन्होंने मंदिर निर्माण करना शुरू कर दिया था। हाँ, नहीं, उधर उन्होंने अपने सैनिक भेजे, सेवक भेजे, यात्रा के लिए पालकियाँ भेजी, तो वो व्यवस्था करने के साथ ही उन्होंने यहाँ रामराज उनके लिए मंदिर का निर्माण भी शुरू कर दिया। रानी के रामलला को लेकर आने की खबर सुनकर मधुकर शाह ने एक नए मंदिर का निर्माण करवाना शुरू किया, चतुर्भुज मंदिर। रानी को अयोध्या से ओरछा आने में 8 महीने 27 दिन लगे। इस संवत 1631 का प्रारंभ था। त्रेता युग के बाद द्वापर में भी नहीं, कलयुग में राम जन्म के सारे सकल युग थे। और उस दिन जो है, उसी दिन तुलसीदास जी, उसमें करीब 74 साल के थे, रामायण की रचना प्रारंभ की। और वहीं उसी दिन भगवान की यात्रा साधुओं के साथ यहाँ आकर के पूर्ण हुई है। लेकिन जब वो ओरछा पहुंची तो राम जी को रानी के रसोई घर में स्थापित कर दिया गया। ऐसा क्यों? इतने भव्य मंदिर को छोड़कर घर के एक कोने में उन्हें क्यों स्थापित कर दिया? रामलला के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा से मधुकर शाह ने यह मंदिर बनवाया, जिसे आज भी सबसे भव्य मंदिरों में से एक माना जाता है। इतने बड़े और आलीशान मंदिर को बनकर तैयार होने में पूरे 20 साल लगे। उसकी एक विशेषता और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो किले का महल है, किले के अंदर उसकी खिड़की से बिल्कुल ठीक सामने चतुर्भुज जी का मंदिर निर्मित है, और उस खिड़की से उस खिड़की से उनका दर्शन किया जा सकता था। तो उद्देश्य था कि राम विराजेंगे और महारानी जी इस मंदिर इस खिड़की से उनके दर्शन करेंगे। ये वो खिड़की है जो यहाँ बैठे हुए, ये चतुर्भुज जी के नाम से जो आप देख रहे हैं ये बगल में, ये उन्हीं के लिए बनवाया था। और अपने लिए सामने महल देखे आप, बन रहा था तो इस मंदिर में कुछ कमियां रह गई थी, पूर्ण तरह बन नहीं पाया था, इसमें थोड़ी सी ऊपर कमी रह गई थी। और भगवान का यहाँ आगमन हो गया तो ये सोच के कि चलो फिलहाल उन्होंने गणेश कुल ने अपने रनिवास में ही अच्छा उनको प्रतिष्ठित कर दिया। उन्होंने कहा ये रसोई घर है, ये पावन जगह है, यहाँ पर भगवान जी को विराजमान कर दिया जाए। फिर उसके बाद में जब मंदिर तैयार हो गया
और उनको वहाँ स्थापित करने का प्रयास किया गया, उसमें सफलता नहीं मिली। कि ज्यों ही कहा कि प्रभु चलिए आपके लिए मंदिर बन गया है जी, बोले आप माँ पागल हो गई आप। बोले क्यों, मैंने कह दिया था अयोध्या में कि जहाँ बैठ जाऊंगा वहाँ से दोबारा कहीं जाऊंगा नहीं, इसीलिए वो खाली पड़ा रहा मंदिर। मंदिर आज खाली पड़ा है तो कष्ट तो होता है, लेकिन मंदिर स्थापत की दृष्टि से बेजोड़ है, अप्रतिम है उसको कहा जाए, और उसमें वो निश्चित तौर से राजा राम के लिए ही बनाया गया था। लेकिन जहाँ विराजमान है वो रसोई ही घर है, और वहाँ के राजा ओरछा के राजा राम राजा कहलाएंगे। उसी टाइम से मधुकर साय महाराज ओरछा से राज काज उनने छोड़ दिया था। जब से राम लला की स्थापना हुई है सारा का सारा नगर दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। हमारे स्वप्न में बांके बिहारी जी आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे थे, बिहारी जी और राम लल्ला दोनों ही तो नारायण के रूप हैं, तो उनमें अंतर करने वाले हम कौन होते हैं। आपके आने का समाचार मिलते ही हमें अपनी भूल का एहसास हो गया था रानी। भूल नहीं महाराज, ये तो लिखा था, और अगर हम इस खोज में नहीं जाते तो राम लल्ला को घर कैसे लाते। तब भी हमें आपसे इतने कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए थे, आखिर आप ओरछा की रानी हैं, हमारी पत्नी हैं। ये तो नियति में लिखा था महाराज, और नियति में लिखा हुआ तो होकर ही रहता है, वो कठोर शब्द आपने नहीं कहे हमसे, शायद स्वयं नारायण चाहते थे कि आप हमसे वो शब्द कहें, ताकि श्री राम ओरछा आए फिर यहाँ के राजा बनकर यहीं वास करें। राम तो सभी के इष्ट में, मगर यहाँ ओरछा में महारानी आपके दिए हुए वादे के बाद आज से वही यहाँ के राजा है, और हम और हमारा आने वाला वंश उनका सेवक। आइए महारानी, ओरछा के राजा के राज्याभिषेक का समय हो गया। रानी को मिले रामलला यहाँ लाए गए। शर्त के अनुसार राजा मधुकर शाह ने उन्हें अपनी राजगद्दी सौंप दी। ये कहानी शायद एक फुलफिलमेंट मिथ है। अयोध्या का राज तो खत्म हो चुका था, और ऐसे में राम का राज कहीं और स्थापित कर देना एक भावनात्मक डिसीजन रहा होगा। रानी के इस महल की रसोई में रामलला को स्थापित किया गया, जहाँ मूर्ति के इर्द गिर्द अब मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ राम को राजा बनाकर खुद यहाँ के राजा ने अपना महल टीकमगढ़ में बनवा लिया। ओरछा के जो राजा के परिवार थे वो टीकमगढ़ क्यों शिफ्ट हो गए? अब उसके एक तो सीधा सीधा कारण यह है कि राजा सिंबोलिक ढंग से कि भाई हमने सत्ता यहाँ की राम को सौंप दी तो राजा हम रह नहीं सकते, राजा तो राम रहेंगे, तो अपना एक सत्ता का केंद्र बनाना था। रामलला की ये कहानी ओरछा के लोगों के दिलों में बस गई। कहते हैं कि उस वक्त से लेकर आज तक ओरछा का हर ऑफिशियल पेपर वर्क राजा राम के नाम से ही होता है। तो इन राजाओं द्वारा जो पत्राचार होता था उसमें सबसे ऊपर श्री राम जी लिखा जाता था, माने ये राज्य राम का राज्य है, माने गवर्नमेंट ऑफ श्री राम जी। 1834 विश्व में राम राजा मंदिर को राजा के रूप में पूजे जाने का एकमात्र स्थान केवल ओरछा है। यहाँ किसी राजा को सैल्यूट नहीं दी जाती, यहाँ चाहे वो राष्ट्रपति आ चाहे प्रधानमंत्री आए, यहाँ के राजा श्री राम जी है। ओरछा वासियों के दिलों में हमेशा के लिए उनका राज्य स्थापित हुआ। राजा कौन होता है जो लोगों के मन में बसा हो, इसीलिए राजा राम। और अपने मन में बसे राम राजा पर पूरा प्यार लुटाते हैं ओरछा वासी उनके विवाह महोत्सव में। राम राजा से आपका रिश्ता नया हो या पुराना, यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर एक बार ओरछा आ गए तो आप अपनाओ या नहीं, भगवान ने आपको अपना लिया है। हर यहाँ की वधू सीता, हर यहाँ का वर राम होता है। तो अपनी सारी संतानों को अपने विवाह का स्वरूप दिखने के लिए ये हर साल विवाह पंचमी उत्सव मनाया जाता है। जब ओरछा पहुंची थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी शादी है जिसमें पूरा शहर उमड़ पड़ा है। ये कहानी जो 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, आज भी ओरछा के हर कोने में उसका रंग उसका स्वरूप देखा जा सकता है।
मंडप डाला जाता है उसी तरह से महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, मंगल गीत गाएं, छोटी छोटी सी पालकियों में बारात निकलती है। तो वहाँ से पूरी बारात निकलने के बाद नगर परिक्रमा करने के बाद, जैसे नगर में भगवान ने जब बारात की परिक्रमा की थी और अयोध्या में जब उनकी शादी होती, तो उस जनक मंदिर में जो जितने रिचुअल्स हैं, जितने धार्मिक संस्कार हैं, सब पूर्ण किए जाते हैं। रौनक और धूमधाम हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जन्म से ही माँ अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है, अर्चना करती है। बड़े होने पर पिता अपनी सारी संपत्ति उन्हें सौंपते हैं। उनके जीवन का हर उपलक्ष्य मनाया जाता है। ऐसा ही अपनत्व जुड़ा है राम के साथ। ओरछा के राजा राम आज भी ओरछा वासियों के दिल में बसे हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.